हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका टारगेट विद आलोक के इस इकोनॉमिक क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम से आगे। हमने पूरा का पूरा आपको नेशनल इनकम का जो पूरा सीक्वेंस होता है वो हमने आपको बता दिया था, ठीक है ना। चलिए, सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार, और एकदम प्रेम से एकदम लगन से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दिया करिएगा, क्योंकि हम वहां पे कमेंट आपका देखते हैं, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या होगी, जहां पे डाउट होगा वो क्लियर यहां पे करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, हमने अभी तक जो पढ़ा नेशनल इनकम आपका स्टार्ट था, हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने ये पढ़ा था सबसे पहले कि जीडीपी क्या होता है, और जीडीपी से हम लोगों ने क्या निकाला, जीडीपी से हम लोगों ने जीएनपी निकाला, ठीक है ना। जीडीपी से हम लोगों ने जीएनपी निकाला, और इसका हमने फॉर्मूला बताया था कि जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। कोई दिक्कत? ट्रेन से थोड़ा सा दोहरा लीजिए, दिमाग में वापस रिमाइंड हो जाए। तो यहां पर सबसे पहले हमने आपको जीडीपी बताया, और यहां पर जीडीपी से हमने जीएनपी निकाला, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। फिर उसके बाद जीएनपी से हमने क्या निकाला, एनएनपी। जीएनपी से हमने एनएनपी निकाला, और फिर एनएनपी कैसे निकाला, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी माइनस क्या चीज, डेप्रिसिएशन। जब मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो एनएनपी निकल जाता है। एनएनपी से फिर हमने क्या निकाला, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला, और इसे निकालने के लिए हमने क्या किया, एनएनपी का ही मार्केट प्राइस लिए, और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, और प्लस सब्सिडी, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला रहा कि जीडीपी से जीएनपी निकला, जीएनपी से एनएनपी निकला, और एनएनपी से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकला, और इसे ही हमने क्या कहा, इसे ही हमने नेशनल इनकम कहा, ठीक है ना। अब यहां पर हमने आपको बताया था कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर राष्ट्रीय, यहां पर एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। जब साधन लागत पर एनएनपी निकाली जाती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। और हमने आपको बताया था कि यहां पर फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत का मतलब क्या हुआ, साधन लागत का मतलब हुआ भूमि, पूंजी, श्रम, और ये साहसी को ही हम यहां पर साधन लागत कहते हैं। यानी अगर सिंपल भाषा में हम लिखे तो यहां पर नेशनल इनकम बराबर एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, वो क्या है, भूमि पूंजी श्रम और साहसी को जो पुरस्कार दिया जाता है, उन चारों पुरस्कारों को यदि हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप रिमाइंड करें कि हमने चारों साधनों का पुरस्कार क्या बताया था, सबका एक विशेष नाम था। आप बताएं कि भूमि के बदले क्या दिया जाता था, लगान, पूंजी के बदले ब्याज, श्रम के बदले मजदूरी, और साहसी को लाभ दिया जाता था, क्योंकि साहसी रिस्क उठाता है, यानी वो खतरा मोल लेता। तो यहां पर नेशनल इनकम का एक और हम यहां पर फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो भूमि के बदले लगान दिया जाता है, तो यहां पर भूमि के बदले लगान हो गया, पूंजी के बदले क्या हो गया, पूंजी के बदले ब्याज हो गया, और श्रम के बदले मजदूरी हो गया, और साहसी को क्या मिला, लाभ। यानी उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी जो लागत होती है उन पर जो व्यय किया जाता है, यानी भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, और साहसी को जो लाभ दिया जाता है, चारों को हम जोड़ देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। यानी साधन लागत ये भी है और ये भी है, ये दोनों, ठीक है ना। चलिए, ये यहां तक समझ लिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सब समझ में आ रहा है? हाँ, सबको नमस्ते, सब कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? एक मिनट,
लोग एक बार बता दे वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार आप लोग बता दे वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार बताएं तो हम आगे बढ़े। आवाज नहीं आ रही है, हाँ एक बार आप लोग बता दें आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, आ रही है, आगे हम बढ़े, एकदम बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए ठीक है, चलिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीजें होते रहती है, उस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, यहां पे अब आप फोकस करें, हम यहां पे आगे बढ़। अब इतना कुछ समझ लेने के बाद अब हम बढ़े यहां पर समझेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। प्रति व्यक्ति आय, यहां पर हेडिंग दे दीजिएगा पर कैपिटा, पर कैपिटा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। प्रति यहां पर लिखेंगे आप प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। इसे शॉर्ट फॉर्म हम पीसीआई भी कहते हैं, यानी पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो ये हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाता है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, फिर उसके बाद हम राष्ट्रीय आय जब हम निकाल लिए तो राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है। तो देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, उस देश की जब कुल जनसंख्या से हम भाग दे देते हैं तो ये क्या निकल के आ जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाता है। और प्रति व्यक्ति आय जो है ये आर्थिक वृद्धि, ये आर्थिक वृद्धि का, आर्थिक वृद्धि का सबसे सबसे उपयुक्त मापक है, सबसे उपयुक्त मापक है, ठीक है ना। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि आर्थिक वृद्धि का, आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, कहीं कहीं इसे आर्थिक विकास भी लिख देता है, कहीं कहीं आर्थिक विकास भी लिख देता है, ठीक है ना। तो आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास का सबसे उपयुक्त मापक, सबसे उपयुक्त मापक, सटीक मापक क्या है, प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी भी देश का जो आर्थिक वृद्धि होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, वो मापने का सबसे सही तरीका है, ठीक है ना। सब क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े हम, क्वेश्चन हम कराएंगे, क्वेश्चन टाइप हो रही है, आप परेशान ना हो, ठीक है ना, क्वेश्चन हम कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, तो ये आगे बढ़े। चलिए ये प्रति व्यक्ति आय हो गया, अब चलिए अब राष्ट्रीय आय निकाल लिए, प्रति व्यक्ति आय निकाल लिए, अब हमको निकालना है व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, अब हमें निकालना है पर्सनल, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आय निकालनी है, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, शॉर्ट में इसे हम कहेंगे पीआई, शॉर्ट में इसे हम कहेंगे पीआई, पर्सनल इनकम। तो यहां पर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से हम क्या माइनस करेंगे, यहां पर देखिएगा माइनस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेशनल इनकम में से यहां पे हम माइनस करेंगे इनकम, इनकम अर्न, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, और इसमें प्लस क्या करेंगे, इनकम, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, बट नॉट अर्न। ये थोड़ा सा पॉइंट पर, अभी फॉर्मूला यहां पर हम एक लंबा सा आपको चेन बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है, इसको अगर समझ लेंगे तो ये पूरा पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय कैसे निकाली जाती है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो जब नेशनल इनकम से, यानी जब राष्ट्रीय इनकम में से, जब राष्ट्रीय इनकम में से इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड को हम घटा देते हैं
और इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा पर्सनल इनकम निकल जाता है। अब थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, अब हम समझा रहे हैं कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब यह हुआ कि हम मेहनत से जो कमाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम बहुत सारा मेहनत करके कुछ कमाते हैं लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा हमें मिलता नहीं है। तो जो हिस्सा हमें मिलेगा नहीं वो हमारे पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। इनकम अर्न यानी आय हमने कमाया, इनकम अर्न यानी आय हमने कमाया बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन हमें मिला नहीं। तो जो हमें मिला नहीं, तो जब हमें मिला ही नहीं तो उसको क्या करेंगे, नेशनल इनकम से घटा देंगे। और दूसरा प्लस क्या है, इनकम अर्न, यहां पर दूसरा क्या है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, यानी हमने कुछ ऐसा पा लिया, हमने कुछ पाया लेकिन उसके बदले हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन वो हमें मिला तो, वो हमें मिला तो जो हमें मिल गया, फ्री में मिल गया, हम उसको क्या करेंगे, अपने पर्सनल इनकम में जोड़ देंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, अभी फॉर्मूला हम बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहां पर समझिएगा, एक एग्जाम्पल देके हम आपको समझाएं। तो मान लीजिए कि 100 रुपया आपने क्या किया, 100 रुपया आप अपने मेहनत से कमाए, 100 रुपया आपने मेहनत से कमाया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया आपने मेहनत से कमाया, लेकिन इसमें से मान लीजिए 20 रुपया जो हिस्सा है, इसमें से 20 रुपया जो हिस्सा है ये सरकार क्या कर ले, टैक्स ले ले। और कभी कभार क्या होता है कि सरकार हमको पेंशन के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में क्या करती है, अलग से कुछ पैसा भी दे देती है। यानी मान लीजिए क्या चीज कि 10 रुपया हमें क्या मिल गया, हमको सरकार ने पेमेंट कर दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने 100 रुपया मेहनत से कमाया, 100 रुपये हमारे मेहनत की कमाई है, लेकिन सरकार ने 20 रुपया टैक्स ले लिया, सरकार ने 20% टैक्स ले लिया, यानी 20 रुपये टैक्स ले लिया। लेकिन बदले में मान लीजिए एलपीजी सिलेंडर है, उस पर सरकार ने आपको क्या किया, सब्सिडी दे दिया, या आप बुजुर्ग हैं तो सरकार ने आपको वृद्धा पेंशन योजना की तरफ से 10 रुपये दे दिया। तो अब यहां पर हम आपसे पूछे कि आपका पर्सनल इनकम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएं, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद बताएं। इसी पर आगे जो हम फॉर्मूला बताएंगे सब इसी पे आधारित है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए कि नेशनल इनकम में से ऐसा हिस्से को घटा दिया जाता है जो कि हम कमाते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है, और उस हिस्से को जोड़ दिया जाता है जिसे हम कमाते नहीं है लेकिन फिर भी हमें मिल जाता है, तो हमारा क्या चीज निकल के आ जाता है, पर्सनल इनकम। तो ये एग्जाम्पल यहां पर दिए कि 100 रुपया मेहनत से कमाए, सरकार ने 20% टैक्स ले लिया यानी 20 रुपये ले लिया, लेकिन सरकार ने हमको अन्य माध्यम से वृद्धा पेंशन की तरफ से 10 रुपये दे दिया, तो पर्सनल इनकम क्या होगा, जल्दी बताएं जी, पर्सनल इनकम क्या होगा। हाँ जी सचिन त्रिपाठी 90, ठीक है, अफरोज अहमद 90, प्रियंका सिंह 90, शिवम वैद एवरीथिंग 90, अवनीश, चलिए बिल्कुल सही, सभी लोग बिल्कुल एकदम सही जवाब दे रहे हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आप हमें समझ पा रहे हैं और यहां पर सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से प्रेम से पढ़ाई करते रहिए। देखिए 100 रुपया हमने मेहनत से कमाया, ठीक है ना, लेकिन 20 रुपया सरकार ने, ये 20 रुपया टैक्स जो हम सरकार को दे रहे हैं ये हमारी ही कमाई का हिस्सा है लेकिन हमें मिला नहीं, तो जो हमें मिला नहीं उसे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, और सरकार ने हमको सब्सिडी या अन्य माध्यम से हमें 10 रुपया दे भी दिया तो हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये 90 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, आप लोग सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आइए, चलिए देखते हैं इसका पूरा फॉर्मूला देखते हैं। तो ये वाली एक फॉर्मूला को आप क्या करिएगा, ये जो है इसको आप बॉक्स में लिख लीजिएगा। अब यहां पर आए एक इसका हम टेक्निकल फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। तो यहां पर पर्सनल इनकम बराबर लिख लीजिएगा, यानी पीआई बराबर लिखिएगा नेशनल इनकम। ये क्या है, एनआई का मतलब क्या है, नेशनल इनकम, ठीक है ना, नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स,
माइनस कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर ठीक है ना, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड अवितरित लाभांश ठीक है ना। फिर यहां पर आइए, माइनस एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सिक्योरिटी प्लान। और यहां पर प्लस क्या करना है, प्लस यहां पर कर देना है गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। और फिर प्लस में क्या करना है, बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट ठीक। और फिर यहां पर क्या करना है, एक लास्ट में लिख लीजिएगा क्या चीज, नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। चलिए ये पूरा फॉर्मूला यहां पर लिख लीजिएगा। अब थोड़ा सा फॉर्मूला को हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है, फॉर्मूला को समझने की कोशिश करना है कि यहां पर पर्सनल इनकम कैसे निकाला गया, व्यक्तिगत आय कैसे निकाला गया। तो यहां पर देखिएगा, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था पर्सनल इनकम निकालने का कि आय का वह हिस्सा जो हमें मिलता नहीं है, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं लेकिन जो हिस्सा हमें मिलता नहीं है उसे घटा देना, और वो हिस्सा जोड़ देना है जो हम कमाते तो नहीं है लेकिन कहीं से मिल जाता है। जैसे कोई आपको गिफ्ट दे दिया, आपका दोस्त है, आप 10,000 रुपया महीना कमाते हैं और मान लीजिए आपका बर्थडे पड़ा, दोस्त ने आपको 10,000 रुपया गिफ्ट दे दिया, तो आपका पर्सनल इनकम क्या हो गया, आपकी इनकम हुई 10,000 रुपये, दोस्त ने आपको 10,000 रुपये गिफ्ट दे दिया, तो आपका पर्सनल इनकम टोटल क्या हो गया, 20,000 रुपये हुआ। तो 10,000 रुपये के लिए तो आपने मेहनत नहीं किया, वो तो आपको दोस्त ने गिफ्ट कर दिया। तो यहां पर समझिएगा, तो यहां पर पर्सनल इनकम हम निकाल रहे हैं तो इसमें से नेशनल इनकम में से तीन चीजों को माइनस कर दिया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर। अब ये निगम कर क्या होता है, तो ये कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर होता है। अब कंपनी में जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, हमने ये बताया कि यहां पर मान लीजिए कि कंपनी 100 करोड़ का उत्पादन हुआ, 100 करोड़ रुपए का क्या चीज हुआ, उत्पादन हुआ, लेकिन सरकार ने इस पर क्या किया, 30% का क्या कर लिया, निगम कर ले लिया, कॉर्पोरेट टैक्स ले लिया। तो यहां पर टोटल जो रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा, टोटल 70 करोड़ कर्मचारियों में यहां पर बांटी जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, निगम कर क्या चीज है, वो आपको यहां पे हम बता रहे हैं कि कंपनियों पर लगाया जाने वाला, कंपनियों के प्रॉफिट लाभ पर लगाया जाने वाला, सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर होता है, और वर्तमान में इसकी जो दर है वो 30% है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां है जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, ये बड़ी बड़ी कंपनियां है, सरकार जैसे ही कंपनी एक साल में जो टोटल प्रोडक्शन करती है वो जितना कमाती है, जितना उसका प्रॉफिट होता है, सरकार उस पर 30% का कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर लगा देती है। तो 30% का कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया गया, निगम कर लगा दिया गया, तो यहां पर 100 करोड़, तो 100 करोड़ का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ ये कौन मिलके कमाया, उत्पादन के जो 4 साधन भूमि, पूंजी, श्रम और साथी साहसी होते हैं, यही तो चारों मिलके 100 करोड़ का उत्पादन किया, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो प्रॉफिट हुआ, हम मान लें कि 100 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ, जो इनकम हुई, उसका 30% क्या होगा, सरकार ले लेगा। यानी मेहनत तो ये चारों साधन मिलके किए और 100 करोड़ कमाए, लेकिन 30% जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो सरकार को देना पड़ा। तो 30 करोड़ मेरा ही था, हमारी मेहनत द्वारा कमाया गया था, लेकिन सरकार ने 30 करोड़ हिस्सा क्या कर लिया, ले लिया।
तो हमने इसको अपनी मेहनत से कमाया लेकिन ये हमें मिला नहीं, तो यानी निगम कर हमें मिलता नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कर दिया है, निगम कर को माइनस कर दिया है, इसीलिए यहां पर निगम कर को माइनस कर दिया गया है। अब दूसरा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड यानी अवितरित लाभांश, अवितरित लाभांश लाभ का वह हिस्सा जिसका वितरण न किया गया है। थोड़ा सा शब्द को समझिएगा, अवितरित लाभांश का मतलब क्या है, लाभ का वह हिस्सा जिसका वितरण नहीं किया गया है, किसके द्वारा, कंपनियों द्वारा। जैसे अभी यहां समझिएगा, ये 30% तो ले लिया निगम कर के रूप में, सरकार ले लिया 30% 30 करोड़, अब ये बचा 70 करोड़, तो 70 करोड़ ये कंपनी जो है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, तो ये 70 करोड़ पूरे कर्मचारी में थोड़े ही बांट देगा, ये 70 करोड़ पूरा बांटेगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, ये 70 करोड़ जो हुआ इसमें से एक सिंपल सा एग्जांपल मान लें हम 10 करोड़, तो ये 10 करोड़ क्या करेगा, वो लाभ के रूप में वो कर्मचारियों को नहीं बांटेगा, लेकिन सारे जो उत्पादन के 4 साधन है वो मिलके उत्पादन किए कमाए, लेकिन कंपनी क्या किया कि 10 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, तो 10 करोड़ का कर्मचारियों में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अवितरित लाभांश, यानी लाभ का वह हिस्सा जिसका वितरण कंपनियों द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये मेहनत से हम तो कमाए थे लेकिन वो भी हमको मिला नहीं, तो जो हमें नहीं मिला उसको भी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, उसको भी हमने माइनस यहां पे कर दिया। अब यहां पर तीसरा ये एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सिक्योरिटी प्लान, ये सोशल सिक्योरिटी प्लान का मतलब क्या हुआ, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पर व्यय किया जाता है, सामाजिक सुरक्षा पर व्यय। आप देखते हैं कि जो भी चाहे प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, वो देखते हैं कि आप देखिएगा कि जो उनका मंथली इनकम होता है, जो कमाते हैं, तो उनका ईपीएफ कटता है, ईपीएफ पीपीएफ कट जाता है, सुने हैं आप लोग, ये ध्यान से सुने हैं, ईपीएफ, ईपीएफ का मतलब हुआ इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का मतलब क्या हुआ, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, और पीपीएफ का मतलब क्या हुआ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये लगभग 13% इनकम का 13% क्या हो जाता है, कट के उनके खाते में चला जाता है, और लास्ट में जब व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है तो वही सारा पैसा जुड़ के एक साथ मिल जाता है, लेकिन जिस साल में वो कमाते हैं उस साल में इनको नहीं मिलता है, वो सब कट के क्या हो जाता है, चला जाता है ईपीएफ। यानी लोगों की आय का वह हिस्सा, लोगों की आय का वह हिस्सा जो सामाजिक सुरक्षा व्यय पर इनके भविष्य के लिए, भविष्य के लिए सोशल सिक्योरिटी के रूप में क्या कर ली जाती है, सरकार द्वारा रख ली जाती है ईपीएफ के रूप में, ईपीएफ के रूप में या पीपीएफ के रूप में। यानी ये क्या है, जब वो रिटायर्ड होंगे तो लास्ट में सरकार उन्हें क्या करेगी, उनको एक मुश्त राशि दे देगी। आप देखते हैं ना कि रिटायर्ड होते हैं तो 30 लाख 40 लाख रुपया 20 लाख रुपया मिलता है, तो ये पैसा सरकार अपने पॉकेट से थोड़ी ही देती है, ये सरकार क्या करती है, उन्हीं के द्वारा हर महीने जो ईपीएफ के रूप में कटता है, पीपीएफ के रूप में कटता है, वही पैसा ब्याज के साथ जुटते जाता है और लास्ट में मिल जाता है। तो ये उस समय तो नहीं मिल पाता है, तो हमारे द्वारा कमाया गया था लेकिन वर्तमान में हमें नहीं मिला था, इसको भी हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर यहां पर 3 चीजों को माइनस कर दिया, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। तो यहां पर ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ये है, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा कि ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हम बताएं तो आपको कहें कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, यहां पर वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, ये लड़कियों को सरकार के द्वारा बहुत सारी पुरस्कार दिया जाता है, एक बेरोजगारी भत्ता भी हम कह सकते हैं, बेरोजगारी भत्ता। तो ये सब ट्रांसफर पेमेंट का अंग है, ट्रांसफर पेमेंट यानी हस्तांतरण भुगतान। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हुआ हस्तांतरण भुगतान, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सरकार द्वारा ये किसी व्यक्ति को या छात्रों को दिया जाता है और उसके बदले में कोई भी सरकार आपसे काम नहीं लेती है। तो जिसके बदले आपने कोई काम नहीं किया, कमाया नहीं, लेकिन फिर भी आपको सरकार ने क्या किया, दे दिया। तो यहां पर क्या है, गवर्नमेंट ट्रांसफर यानी सरकारी हस्तांतरण भुगतान, ये सरकार आपको अपने हाथ से उठा के और अपने
आपके हाथ में दे देती है और इसके बदले कोई भी काम आपसे नहीं लेती है, तो आपने कमाया नहीं लेकिन फिर भी आपको मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट, ये बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट व्यापारियों द्वारा, यानी जो बिजनेस फॉर्म है जैसे रिलायंस है, टाटा बिरला है, ये भी अपने कर्मचारियों को समय समय पर बोनस देते रहती है, उनको गाड़ी की सुविधा देती है घर से आने जाने के लिए, आवास की सुविधा देती है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करवा देती है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं जो होती है जो कि किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाती है, तो उसके बदले कोई काम नहीं लेते लेकिन फिर भी वो दे देते हैं, तो ये किसी कंपनी द्वारा दी जाती है, तो इसीलिए इसे बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट यानी व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कमाया नहीं गया लेकिन मिल गया, तो इसको हम प्लस कर दिए। फिर लास्ट में क्या है, नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए सरकार बहुत तरीकों से, सरकार बहुत माध्यमों से हमसे ऋण लेती है, तो सरकार बहुत माध्यमों से हमें ऋण लेती है। तो मान ले कि पहले आपसे सरकार ने ऋण लिया था, लोन लिया था, पैसा लिया था, लेकिन हर महीने आपको इंटरेस्ट तो देगी, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपके पर्सनल इनकम में जुट जाता है, जो सरकार के द्वारा आपको ब्याज दी जाती है वो पर्सनल इनकम में जुट जाता है, ठीक है ना। कभी आपने ऋण दिया होगा सरकार को लेकिन आपको जो ब्याज है वो तो हर महीने मिलेगा, तो वो जुट जाता है। तो यहां पे नेशनल इनकम में ये तीन चीजों को माइनस कर दिया जाता है, और इन तीन चीजों को जब प्लस कर दिया जाता है तो आपका पर्सनल इनकम निकल जाता है। एक बार बता दे, सब कुछ क्लियर है, एक बार बताए सब क्लियर है। एक बार बता दे आप लोग, सब क्लियर है, आगे बढ़े हम, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका पर्सनल इनकम निकल गया, ये सारा फॉर्मूला याद रखिएगा, यहीं से आपका प्रश्न बनता है, हम सवाल देंगे आप लोगों को। आगे बढ़े ना जी, सब क्लियर है। चलिए बिल्कुल, अब यहां पर आइए, अब यहां पर हमने आपको समझा, ये भी समझा दिया कि क्यों जोड़ा जाता है, क्यों घटाया जाता है, इसलिए पहले ही आपको हमने कॉन्सेप्ट बता दिया था, ठीक है। अब यहां पर आइए, अब इतना समझ लेने के बाद, अब यहां पर हम पढ़ेंगे क्या चीज, जीएनएच के बारे में। हमने जीडीपी पढ़ा, जीएनपी पढ़ा, एनडीपी पढ़ा, अब एक नया कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, जीएनएच, जीएनएच ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है ना, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। चलिए, अब ये कौन सा देश, ये हमारा पड़ोसी देश जो है भूटान, ये अगर इसको प्रतिपादन की हम बात करें कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ये कॉन्सेप्ट जो है ये किस देश के द्वारा लाया गया, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये भूटान के द्वारा लाया गया, ये कॉन्सेप्ट भूटान के द्वारा लाया गया है, और इन्होंने अपने राष्ट्रीय आय को खुशहाली के संदर्भ में मापा है। तो ये जीडीपी जीएनपी का मापा नहीं करते, ये जीडीपी और जीएनपी को खुशहाली का सूचकांक नहीं मानते। यदि हम आपसे कहें कि लोगों के पास खुशहाली कैसे आएगी, लोगों के पास खुशहाली हैप्पीनेस कैसे आएगा, क्या केवल पैसा आ जाने से, और वो भी देखिए अगर पूरे देश की राष्ट्रीय आय, हमारे देश की राष्ट्रीय आय अच्छी खासी है, ठीक है ना, तो राष्ट्रीय आय केवल किसी देश का बढ़ जाना, जीडीपी बढ़ जाना, जीएनपी बढ़ जाना, और हमारे देश का जीडीपी जीएनपी खूब बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़े, तो क्या इससे लोगों की खुशहाली बढ़ेगी, एक बात बताएं, लोगों की खुशहाली बढ़ेगी, तो ये गारंटी नहीं देता। ये ध्यान में रखिएगा कि जीडीपी का खूब बढ़ना, जीएनपी का बढ़ना, राष्ट्रीय आय का बढ़ना, ये गारंटी नहीं देता है कि लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। तो लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे आएगी, तो लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी किससे, शिक्षा से आएगी। जब सबके पास शिक्षा पहुंच, जब सबके पास शिक्षा यानी एजुकेशन पहुंचे, स्वास्थ्य यानी हेल्थ की उपलब्धता हो, ठीक है ना, स्वास्थ्य मिले, और हमारी संस्कृति सभ्यता को पहचान मिले, हमें शुद्ध पर्यावरण मिले,
यानी शुद्ध वायु मिले, शुद्ध वायु मिले, जल मिले, एक अच्छा पर्यावरण मिले जिसमें हम एकदम शुद्ध रूप से सांस ले सके, ठीक है ना। तो यानी लोगों को खुशहाली का मापन, भूटान ने बताया कि लोगों के जीवन में खुशहाली तब आती है जब सबके पास शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति सभ्यता का विकास हो, पर्यावरण स्वच्छ हो, यानी शुद्ध वायु मिले, शुद्ध जल मिले, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सरकार द्वारा जो शासन चलाई जाती हो वो एकदम अच्छा हो, यानी सुशासन हो, ठीक है ना। जीवन स्तर जो लोगों का है वो जीवन स्तर ऊंचा हो, यानी रहन सहन का स्तर जो ऊंचा हो, इसके द्वारा खुशहाली आती है लोगों के जीवन में, ना कि जीडीपी जीएनपी के बढ़ने से। ये भूटान के द्वारा लाया गया था, तो इसका पूरे विश्व में बढ़ाई हुआ जी। जब ये कॉन्सेप्ट आया तो पूरे विश्व में इसका क्या हुआ, बढ़ाई हुआ, ठीक है। अब बताएं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आपको यहां पर याद रखना है क्या चीज, कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट किस देश के द्वारा लाया गया, भूटान। और इसके जो अवयव यानी जो एलिमेंट जो तत्व है वो क्या है, यानी सकल राष्ट्रीय खुशहाली का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति सभ्यता, पर्यावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, सुशासन, जीवन स्तर और मनोवैज्ञानिक भलाई, ठीक है ना। ये सारे जो है मापने का पैमाना है। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, आगे हम बढ़े। ठीक है, बढ़े। हाँ जी, आपने पूछा कि जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तभी तो ये सारी चीजें बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन केवल राष्ट्रीय आय बढ़ जाने से या जीडीपी जीएनपी बढ़ जाने से खुशहाली नहीं आएगी। राष्ट्रीय आय का बंटवारा सभी के पास पहुंचे, यानी राष्ट्रीय आय का समान हिस्सा सभी लोगों के पास पहुंचे, और वो हिस्सा किस रूप में पहुंचे, तो सभी के पास शिक्षा पहुंचे, सभी के पास स्वास्थ्य हो, सभी के पास शुद्ध वायु हो, जल हो, सभी का जीवन स्तर ऊंचा उठे, मनोवैज्ञानिक भलाई हो, तब लोगों के जीवन में खुशहाली आती है। केवल हम ये कह दे कि पूरे विश्व में भारत की जो राष्ट्रीय आय है, भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो क्या चीज है, अभी पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, क्रय शक्ति समता के आधार पर पूरे विश्व में राष्ट्रीय आय की यदि बात करें तो भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर पे। अगर नॉमिनल यानी नॉर्मल रूप से हम बात करें तो छठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो पूरे विश्व में भारत नॉमिनल यानी साधारण मापन के आधार पर छठी अर्थव्यवस्था है, पीपीपी मॉडल के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण है, भारत में सबसे नवजात बच्चे मरते हैं। तो अब आप बताएं कि केवल राष्ट्रीय आय के ज्यादा हो जाने, जीडीपी के ज्यादा हो जाने, जीएनपी के ज्यादा होने से क्या हमारे देश में खुशहाली आई, नहीं। तो ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं देता है। गारंटी कौन देता है, जब लोगों के पास ये सारी सुविधाएं पहुंचे तो इससे लोगों के जीवन में खुशहाली आती है, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। सचिन त्रिपाठी, आय बढ़ने से महंगाई भी बढ़ सकती है, ठीक है, वो बात का मैटर है, पूरी अर्थव्यवस्था एक संतुलन का खेल है। चलिए आगे बढ़े हम, ठीक है, चलिए आइए। अब हम लोगों ने समझ लिया, अब ये हो गया, ये जीएनएच इतना आप याद रखिएगा, चलिए ठीक। अब यहां पर ग्रीन जीएनपी के हम थोड़ा सा चर्चा कर ले, ग्रीन जीएनपी, हरित जीएनपी की चर्चा करिए। अब देखिए जी, सबसे पहले तो जहां भी ये ग्रीन शब्द आए आप समझ जाइए कि इसका संबंध किससे है, पर्यावरण से है। जहां भी ग्रीन शब्द का उपयोग हो इसका मतलब है कि पर्यावरण से संबंधित है। तो ये ग्रीन जीएनपी यानी हरित जीएनपी का संबंध किससे है, ये क्या है, तो ये थोड़ा सा समझा जाए। तो नॉर्मल हम जीएनपी देखते हैं, जीएनपी नॉर्मल जीएनपी क्या होता है, हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना, जीएनपी क्या होता है। अब देखिए, अब विकास के चक्कर में हम बहुत ज्यादा जीएनपी बढ़ाने के चक्कर में, जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में, राष्ट्रीय आय के बढ़ाने के चक्कर में हम बहुत सारा पर्यावरण का क्षति कर देते होता है ना। जब विकास होता है तो पर्यावरण का नुकसान भी होता है। मान लीजिए
फोर लेन की सड़क बनानी है, फोर लेन की सड़क बनानी है, सिक्स लेन की सड़क बनानी है, तो रास्ते में जितने सारे जो हमारा जमीन होगा जहां पे हम अन्न उपजाते हैं वो खत्म हो जाएगा, जितने सारे पेड़ पौधे आएंगे वो सारा चीज खत्म हो जाएगा, काट दिया जाएगा। तो विकास के चक्कर में हम पर्यावरण का भी नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन जीडीपी और जीएनपी में हमने पर्यावरण का नुकसान कितना पहुंचाया इसका आकलन नहीं किया जाता। यानी एग्जाम्पल हम बताएं तो मान लीजिए ये जीएनपी है, ये जीएनपी है 1000 करोड़, यदि हम कहें कि 2019-20 में जीएनपी हो या जीडीपी हो, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, 1000 करोड़ का हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन किया। लेकिन ये तो हमको मालूम चल गया कि 2019-20 यानी एक साल में हमने टोटल 1000 का प्रोडक्शन किया, लेकिन इस विकास के चक्कर में, इस उत्पादन के चक्कर में हमने कितना पर्यावरण का नुकसान पहुंचा दिया इसका कैलकुलेशन हमने तो किया नहीं। यानी विकास जब होता है तो पर्यावरण का भी नुकसान पहुंचता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां लगती है तो उससे जो गंदा जल होता है वो नदियों में बहा दी जाती है, कंपनियां लगती हैं गंदे जल को नदियों में बहा दी जाती है, तो इससे जल प्रदूषण होता है, पेड़ काट दिए जाते हैं, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है ना। बहुत सारा गाड़ियां बनती हैं, गाड़ियां चलती हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। यानी बहुत सारी पर्यावरण को हमने नुकसान करते हैं, हम क्षति पहुंचाते हैं लेकिन उसका आकलन नहीं करते। तो यहां पे ग्रीन जीएनपी हमें क्या बतलाता है, ग्रीन जीएनपी हमें यह बतलाता है कि हम विकास के चक्कर में साथ ही साथ कितना पर्यावरण का नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहां पर जीएनपी, जब जीएनपी में से, यानी यहां देखिएगा, अब यहां हम निकाल रहे हैं ग्रीन जीएनपी, यहां पर अगर फॉर्मूला के माध्यम से हम कहें तो ग्रीन जीएनपी बराबर जीएनपी माइनस पर्यावरणीय क्षरण लागत और माइनस यहां पर पर्यावरणीय संरचनात्मक पहल, ठीक है ना। ये ग्रीन जीएनपी का फॉर्मूला है। यानी एग्जाम्पल हम कहें कि यहां पर जीएनपी क्या है, जीएनपी हमारा एक हजार करोड़ है और हमने 100 करोड़ का पर्यावरण का नुकसान पहुंचा दिया, और पर्यावरण को सही करने के लिए 100 करोड़ और लगाया। ध्यान सुनिएगा, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जीएनपी हमारा 1000 करोड़ है और 1000 करोड़ के उत्पादन के चक्कर में 100 करोड़ हमने क्या किया, पर्यावरण का नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है ना। साथ ही साथ उस पर्यावरण को सही करने के लिए, उसे बनाने के लिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए 100 करोड़ हमें उस पर खर्च करना पड़ेगा। तो यहां पर हम आपसे पूछे कि ग्रीन जीएनपी क्या होगा, तो आप बताएं ग्रीन जीएनपी क्या होगा। फॉर्मूला दिया गया है यहां पर, चलिए सब समझ में आ रहा, बताएं कितना होगा ग्रीन जीएनपी, कितना होगा, फॉर्मूला आपको दे दिया गया है। हाँ जी, अफरोज अहमद 800, शिवम बैद 800, दीपा कौशल 800 करोड़, अनु अनिल यादव 800 करोड़, बिल्कुल सही, आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। यानी जीएनपी में से जो भी जीएनपी हम निकालते हैं उसमें से पर्यावरणीय क्षरण लागत को घटा दिया जाए और उसके रख रखाव, उसे सही करने के लिए जो खर्च आता है उसको भी हम माइनस कर दे तो हमारा ग्रीन जीएनपी निकल जाता है। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 100 और माइनस 100, तो हमारा ग्रीन जीएनपी कितना आया, 800 करोड़ आया। तो यदि हम सिंपल बात करें तो जीएनपी कितना है, जीएनपी तो 1000 करोड़ है लेकिन ग्रीन जीएनपी कितना होगा, 800 करोड़ होगा। बिल्कुल सही, सभी लोग आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब, सब क्लियर है, ठीक है। अब चलिए, इतना समझ लेने के बाद अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े, सब क्लियर है, एक बार आप लोग बता दे सब क्लियर है। आगे बढ़ें, चलिए जी आइए, ठीक है।
अब यहां पर देखिए, अब एक और कॉन्सेप्ट जानिए, हिंदू ग्रोथ रेट यानी हिंदू वृद्धि दर क्या है, हिंदू वृद्धि दर क्या है? ठीक, अब देखिए, अभी बहुत बार सवाल आ चुका है कि व्हाट इज द मीन ऑफ हिंदू ग्रोथ रेट, क्या मतलब है हिंदू ग्रोथ रेट का, हिंदू वृद्धि दर का मतलब क्या है? तो तुरंत आपके दिमाग में ये आएगा कि हिंदुओं की जनसंख्या से, एक ऑप्शन में ये भी रहता है कि हिंदुओं की जनसंख्या से इसका संबंध है, और आप देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं, इसको तुरंत क्या करेंगे सही कर देंगे। तो भूल के भी ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध हिंदुओं की जनसंख्या के वृद्धि दर से नहीं है, इसका संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से। इसका संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से है, या भारत की आर्थिक वृद्धि दर, भारत की आर्थिक वृद्धि दर से इसका संबंध है। और इसका प्रतिपादन जो है, ये कॉन्सेप्ट को लाया किसने था, तो इसका जो प्रतिपादन है प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था, प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। ये क्यों किया था, तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत का जो ग्रोथ रेट था, जो राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर थी भारत की, इसका जो ग्रोथ रेट ये क्या था, 1950 से 80 के बीच में, ये तीन दशक यानी 30 साल, 1950 से 80 के बीच में भारत का जो ग्रोथ रेट था वो 3 से 3.5%, 3 से 3.5% के बीच में क्या था, लटका रहा। भारत आजाद हो गया, हम आजाद हुए, लेकिन भारत की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर 1950 से 1980 के बीच में, यानी इतने लंबे समय तक, 3 दशक यानी 30 सालों तक 3 से 3.5% के बीच में ही लटका रहा। तो व्यंग्यात्मक रूप से, एक तरीके से मजाक के रूप में प्रोफेसर राजकृष्ण ने इसको क्या किया, प्रोफेसर राजकृष्ण ने इसको संज्ञा दिया कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है, क्योंकि उस समय वर्तमान में भी भारत में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है। तो उसी आधार पर ये एक उपहास उड़ाया गया, व्यंग्यात्मक उसे बोला गया कि हिंदू वृद्धि दर है। तो हिंदू वृद्धि दर का यहां पर संबंध भारत में हिंदुओं की जनसंख्या से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर। और कब की आर्थिक वृद्धि दर की चर्चा हो रही है, तो 1950 से 80 जो कि 3 से 3.5% के बीच में लटका रहा। चलिए जी, बिल्कुल सही है। अब बताएं सब क्लियर है, आगे बढ़े, एकदम बिल्कुल सब समझ में आ रहा, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए। तो ये देखिए आज की आपकी क्लास रही, और यहां पर सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। अब इसमें इतना समझ लेने के बाद, आज हम लोगों ने समझ लिया कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है, जीएनएच क्या होता है, ग्रीन जीएनपी क्या होता है, पर्सनल इनकम को कैसे मापा जाता है, ये सब कुछ समझ लिए। अब मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए प्रेम से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय आय में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है और नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है ना, ये हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।